हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 12 सब्जेक्ट EVS। हम पढ़ रहे हैं आप लोगों को चैप्टर सॉलिड एंड हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने आप लोगों को सॉलिड वेस्ट एंड हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में ब्रीफिंग किया था और हमने स्टार्ट किया था कि सोर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट क्या क्या है, कौन कौन सी एरिया जहाँ से सॉलिड वेस्ट निकलते हैं। तो उनमें से हमने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था द रेजिडेंशियल एरिया एंड इंडस्ट्रियल एरिया एंड कमर्शियल एरिया। नाउ टुडे जो हम स्टार्ट करेंगे वो इंस्टीट्यूशनल है, इंस्टीट्यूशनल एरिया जहाँ से सॉलिड वेस्ट निकलते हैं। होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो को देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा तो आप लोग प्रीवियस वीडियो देखें, वहाँ से देखने के बाद आप लोग ये वाले वीडियो देखें। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि होप जल्दी ही स्कूल भी खुलने वाला है, मे बी हो सकता है शायद खुले तो अगस्त फर्स्ट वीक में खुल जाएगा, तो वहाँ भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद वहाँ हम आप लोगों को फिर से ये नहीं पढ़ाने वाले हैं, आप लोग याद रखें। हम आप लोगों के नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर नंबर हमारा 5 होगा, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट। तो इससे पहले आप लोग ज़रूर चीज़ें देखते जाएं और पढ़ते जाएं, ठीक है। आज जो हमारा है वो है इंस्टीट्यूशनल एरिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल सेंटर जैसे कि स्कूल, यानी बहुत सारे स्कूल जो इंस्टीट्यूशनल सेंटर जिन्हें माना जाता है, कॉलेजेस इंस्टीट्यूशनल सेंटर है, प्रिजन एक इंस्टीट्यूशन है, मिलिट्री बैरक्स और दूसरे बहुत सारे गवर्नमेंट सेंटर जो इंस्टीट्यूशन है, तो उन जगहों से भी बहुत ज़्यादा सॉलिड वेस्ट निकलते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। उनमें से कॉमन जो सॉलिड वेस्ट निकलते हैं उनको हम जो मेनली उन एरियाओं से हमें ऑब्टेंड होते हैं, जिनके अंदर प्लास्टिक ग्लासेस, रबर वेस्ट, प्लास्टिक हो, फूड वेस्ट हो, मोस्टली वुड, पेपर, मेटल, कार्बोर्ड मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज बहुत सारे दूसरे हैजार्डस वेस्ट भी उन जगहों से निकलते हैं। तो ये था हैजार्ड, इंस्टीट्यूशनल एक मेन सोर्स बनता है, इंस्टीट्यूशनल भी एक मेन सोर्स बनता है किसका, सॉलिड वेस्ट का। जैसे रेजिडेंशियल एरिया भी था एक सोर्स, इंडस्ट्रियल भी, इंडस्ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा एक मेन सोर्स हैं, कमर्शियल एरिया भी एक मेन सोर्स बनता है। उसी तरह इंस्टीट्यूशनल भी एक मेन सोर्स बनता है जहाँ से मोस्टली पेपर आप लोगों को सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। नाउ आ कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एरिया, यानी जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, जहाँ तबाही मचा हुआ है, डिमोलिश किया हुआ है बिल्डिंग्स को, फिर से नए बना रहे हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है, उन जगहों से भी बहुत सारे डेब्रीज की गंदगी, बहुत सारे वुड की वेस्ट और बहुत सारे खासकर दूसरे वेस्ट भी निकलते हैं प्लास्टिक्स की वजह से, कि इसमें पढ़ेंगे हम आप लोगों को। कंस्ट्रक्शन साइट्स या डेमोलिशन साइट कंट्रीब्यूट करता है सॉलिड वेस्ट की प्रॉब्लम को बढ़ावा देते हैं, ये एक मेन भी कंट्रीब्यूटर है, ये एक मेन सोर्स है सॉलिड वेस्ट का। तो जो कंस्ट्रक्शन साइट है उनमें से इंक्लूड जो हमें निकलते हैं खासकर नए कंस्ट्रक्शन साइट से या जहां बिल्डिंग बनते हैं उन जगहों से, जहां रोड बनता है उन जगहों से, रोड की रिपेयरिंग वाली जगहों से, कुछ ऐसे कॉमन सॉलिड वेस्ट जो कुछ वेस्ट का नाम दिया हुआ है आप लोगों को, उनमें से सबसे ज़्यादा स्टील मटेरियल और ख़ासकर मेटल की चीज़ें बहुत देखने को मिलते हैं और कंक्रीट देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं आप लोगों को, वुड हो, प्लास्टिक हो, रबर हो, कॉपर वायर देखने को मिलता है वहाँ पे, बहुत सारे ग्लासेस देखने को मिलता है वहाँ पे, इस तरीके के बहुत सारे सॉलिड वेस्ट वहाँ देखने को मिलता है जहाँ पे कंस्ट्रक्शनल साइट चल रहा होगा, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शनल और डेमोलिशन एरिया भी एक मेन सॉलिड सोर्स के लिए हिस्सा बनते हैं। सेम उसी तरह म्यूनसिपल सर्विसेज भी हैं, म्यूनसिपल सर्विसेज लाइक हमारे जो अर्बन एरियाज में जो मार्केट की सफाई करना, अर्बन एरिया की सफाई करना, उन सभी को म्यूनसिपलिटी के पास होते हैं, तो म्यूनसिपल सर्विस भी एक मेन सोर्स है सॉलिड वेस्ट का। अर्बन सेंटर कंट्रीब्यूट करता है सबसे ज़्यादा एमेसेंसली सॉलिड वेस्ट की क्राइसिस को बढ़ावा दे रहे हैं हमारे पूरे कंट्री में, पूरे दुनिया में, डे टू डे जो अर्बन सोसाइटी में हम सॉलिड वेस्ट की क्रिएट करते हैं। कुछ सॉलिड वेस्ट को जो हम म्यूनसिपल सर्विसेज के अंदर इंक्लूड करते हैं, खासकर जहाँ स्ट्रीट हो उनकी क्लीनिंग के वक्त निकलते हैं,
पार्क से, बीचेस से, और ख़ासकर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एरिया से, लैंडस्केपिंग वेस्ट से। ये सारे रिक्रिएशनल जगहें हैं जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं, रिक्रिएशनल एरियाज हैं, वो सारे इंक्लूडेड हैं सॉलिड वेस्ट को करने के लिए, यानी सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम्स में भी इंक्लूडिंग है ये। तो ये म्यूनसिपल सर्विसेज भी एक मेन सोर्स बन रहा है किसका, सॉलिड वेस्ट का। उसी तरह हमारा ख़ासकर इंडस्ट्रियल एरिया, या जिन्हें हम कहते हैं फैक्ट्रीज़ हो, या प्लांट जिन्हें हम कहते हैं प्लांट साइट्स कहते हैं, सो ट्रीटमेंट्स ऑफ प्लांट साइट्स एंड दूसरे साइट्स का, ख़ासकर जहाँ पे हेवी मटेरियल, हेवी मेटल की मैन्युफैक्चरिंग हो रहा हो, और हेवी और लाइट मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें जहाँ बनते हैं उन प्लांट एरियाओं में सॉलिड वेस्ट बहुत ज़्यादा निकलते हैं। उसके अंदर जैसे कि रिफिनरीज हो, पावर प्लांट हो, प्रोसेसिंग प्लांट हो, मिनरल एक्सट्रैक्शन प्लांट हो, केमिकल हो, सो ऐसे बहुत सारे सॉलिड वेस्ट उन जगहों से निकलते हैं। उनमें से प्रोड्यूस करने वाले जो वेस्ट हैं, ख़ासकर इंडस्ट्रियल प्रोसेस वेस्ट हो, अनवांटेड स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट, प्लास्टिक, मेटल पार्ट, जो सबसे ज़्यादा ख़ासकर उन जगहों से निकलते हैं। सो प्लांट साइट्स और भी मेन सोर्सेस हैं सॉलिड वेस्ट का। और लास्ट द लीस्ट, जो एग्रीकल्चर एंड बायोमेडिकल, एग्रीकल्चर भी एक मेन सोर्स बनता है, जहाँ क्रॉप फार्म हो, ऑर्चर्ड हो, डेयरीज हो, वेन यार्ड हो, फीड लॉट्स हो, वो भी ऑल्सो सोर्स हैं सॉलिड वेस्ट का। अमंग द वेस्ट दीज प्रोड्यूसिंग इंक्रीज, जैसे कि क्या इंक्लूड होते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट, स्पॉइल फूड, पेस्टिसाइड्स कंटेनर्स, और बहुत सारे हैजर्डस मटेरियल्स भी इन जगहों से निकलते हैं। सो एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अ मेन सोर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज बायोमेडिकल, यानी जहाँ जो हॉस्पिटल्स हैं, जो क्लिनिक्स हैं, बायोमेडिकल इक्विपमेंट जो हम सबसे ज़्यादा फेंकते हैं हॉस्पिटलों से, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग जो फ्रेम्स हैं उन जगहों से, हॉस्पिटल से हम डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ सॉलिड वेस्ट का अगर हम एग्जांपल लें तो सिरिंज, जो सिरिंज्स होते हैं वो मेन एक सॉलिड वेस्ट का काम करते हैं। बैंडेजेस हो, ग्लव्स हो, पेंडेमिक में तो सबसे ज़्यादा ग्लव्स और उसका जो किट था, पीपी किट, वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। ड्रग, जितने सारे वेस्ट ड्रग हो, पेपर, प्लास्टिक, फूड वेस्ट, केमिकल्स, ये सारे चीज़ें खासकर बायोमेडिकल से निकलते हैं। तो ये भी एक कंट्रीब्यूट करते हैं, मेन प्रॉब्लम क्रिएट कराने का काम करते हैं सॉलिड वेस्ट को। सो हमें इन सारे सॉलिड वेस्ट जगहों से सॉलिड वेस्ट निकलना तो है, लेकिन इनकी मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इसके बाद कैसे डिस्पोजल किया जाता है सॉलिड वेस्ट को, उनकी मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। All these require proper disposal or else they will cause a huge problem to the environment and people of their facilities. तो हमें ज़रूरत है भाई इनकी proper dispose करें, नहीं तो ये हमारी problems, हमारे environment में एक बड़ा सा problem create कर सकता है। लोग सही से सांस नहीं ले पाते हैं, लोगों के अंदर different diseases बढ़ जाते हैं, खासकर उन जगहों से जहाँ पर solid waste को सही से proper नहीं किया गया है। So this is all about the source of solid waste. After that, we will discuss about the effect of solid waste management. Thank you so much.